अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बटर चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बटर चिकन बनाने के लिए चिकन को पहले मैरिनेट कर लेंगे। 1 kg चिकन में नमक ऐड करेंगे, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, इलायची का पाउडर आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून, दही आधा कप, कसूरी मेथी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, 2 टेबलस्पून तेल और हल्दी 1/4 स्पून डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। बटर चिकन की ग्रेवी के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी, 2 प्याज, 3 बड़े साइज़ के टमाटर, 10 से 12 लहसुन के कलियां, 10 से 12 काजू, 3 तेज़पत्ता, जावित्री और 3 से 4 लौंग ऐड करके इसको हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। इसको पानी से सेपरेट करके फाइनली ग्राइंड कर लेंगे। अब हम मैरिनेट किए हुए चिकन को 180 डिग्री पे ग्रिल कर लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर चिकन को तवे पे रोस्ट कर लें या फ्राई कर लें। चिकन अच्छे से ग्रिल हो गई है, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून बटर और 2 टेबलस्पून तेल को गरम कर लेंगे। इलायची और दालचीनी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। जो मसाला हमने बनाया था उसको ऐड करके इसको अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसको ढक के 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 कप क्रीम ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी। जो हमने ग्रिल किया हुआ चिकन था इसको ऐड करके इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे, जिससे कि चिकन का फ्लेवर अच्छे से ग्रेवी में आ जाए। लास्ट में 1 टेबलस्पून शहद और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन बनकर तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।